हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11वीं के एक्सरसाइज 1.6। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन समझ में आ जाए और इसका जो मेथड है कैसे बन रहा है पूरा समझ में आ जाए। जब तक पूरा नहीं देखिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n ऑफ x इक्वल टू 17, n ऑफ y इक्वल टू 23 तथा n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38, तो n ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो दिया है वो चीज़ हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक डाल दीजिए, n ऑफ x क्या दिया है 17, n ऑफ y 23, देखिए n ऑफ x इन वन y इक्वल टू 38, और ये चीज़ हमको निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y, वाट लिख दीजिए, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसलिए सूत्र से n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू होता है n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो जो है उस पर लिख दीजिए, देखिए n ऑफ x यूनियन y कितना है 38, तो हम यहाँ पर 38 लिख देंगे। और मात्र यही फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, और ये पूरा चैप्टर का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक केवल वाले क्वेश्चन जो होंगे उनका एक फॉर्मूला होता है, आपको बता दूंगा। इसे देखिए, n ऑफ x कितना है 17, n ऑफ y 23, और ये निकालना है, ठीक है। कह रहा है n ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब बीच में बराबर आ जाए तो साइड में या लिखना चाहिए, और इस प्रकार से या लिखा जाता है। 38 इधर ही रहने देंगे, ये दोनों प्लस में है तो जुट जाएगा, 7 3 10, और ये 40 हो जाएगा, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस में है, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 40, और ये जो 38 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा 38, ठीक है। यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं, और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं बराबर में 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। तो ये भी इसी प्रकार से बनेगा, जो दिया है उसको लिख लेंगे। पहले दिया है, क्या दिया है देखिए, 18 है x यूनियन y, यानी कि n ऑफ x यूनियन y 18, x में 8 यानी कि n ऑफ x इक्वल टू 8, n ऑफ y इक्वल टू 15, और इसमें निकालना है n ऑफ x इंटरसेक्शन y।
ये आप लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार निकलेगा। तो देखिए, अवयव का मतलब हुआ नंबर ऑफ, समझ लीजिए नंबर है जो उसमें एलिमेंट है, जो एन में, एक्स में है, वाई में है, या ठीक है। तो फिर सूत्र से उसी प्रकार से बन जाएगा। देखिए एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कितना है 18, इक्वल टू एक्स दिया है 8, वाई दिया 15, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 18 इक्वल टू, यहाँ पर 15 और 18 ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 23, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इधर आएगा, इधर माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, बिल्कुल पहला क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर लिख देंगे एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई स्क्वायर टू 38, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा 18, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो इसलिए एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई स्क्वायर टू, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। तो अच्छे से देख लीजिए, और आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे बनेगा। चार सौ व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति एच तथा अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति ई हैं। ये हमने क्यों माना, क्योंकि हिंदी एच से होता है और अंग्रेजी जो है इंग्लिश यानी ई से होता है, इस प्रकार से हम मान लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 400 व्यक्तियों के समूह में कह रहा है, तो इसलिए हो जाएगा पूरा समूह यानी कि यूनियन, तो एन ऑफ क्या हो जाएगा एच यूनियन ई, कितना दिया 400, ठीक है, हिंदी एन ऑफ एच 250, यहाँ पर देखिए फिर अंग्रेजी बोल सकते हैं एन ऑफ ई इक्वल टू 200। अब यहाँ पर कह रहे कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, तो वही बिल्कुल पहला की तरह ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है, ये व्हाट हो जाएगा। तो इसलिए सूत्र से यहाँ ध्यान दीजिएगा, एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ध्यान ही देना है कि यहाँ पर मतलब हिंदी है तो हिंदी, फिर यहाँ प्लस रहना है, यहाँ माइनस इंटरसेक्शन वाला डाल देना है और बाकी यूनियन वाला से बराबर करना है, और यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए 400 है और यहाँ हिंदी 250, इंग्लिश 200, और ये निकालना है। तो अब आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, 400 ये दोनों जोड़ेंगे तो 450 हो जाएंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 450, इधर आएगा तो माइनस 400, तो इसलिए एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, यहाँ भी बराबर करके आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना हो गया 50, ठीक है। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन बन जाता है।
आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव है, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव है। तो थोड़ा सा इसमें भिन्न है, ज़्यादा कोई भिन्न नहीं है, तो आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक है, दिया है क्या, एस में 21 यानी कि एन ऑफ एस इक्वल टू 21, एन ऑफ टी इक्वल टू 32 और यहाँ पर एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11 और हमें निकालना है एन ऑफ एस इंटरसेक्शन यूनियन टी इक्वल टू व्हाट। तो फार्मूला ज्यों का त्यों आराम से निकल जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए सूत्र से क्या हो जाएगा, देखिए एन ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। तो ये तो निकालना ही है, आराम से यहाँ लिख देंगे, एन ऑफ एस कितना है 21 प्लस टी 32 माइनस ये 11 दिया है, ये जोड़कर इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा 42, क्योंकि ये घटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ऑफ एस यूनियन टी। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन छोड़े हैं जो इसके पहले वाले हैं, तो उसको आप लोग बना सकते हैं, आराम से पढ़िएगा, उसको नहीं बनेगा फिर भी कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो ठीक है, और बेहिचक कमेंट कीजिएगा, इसमें डरिएगा मत कि मतलब आप कहिएगा बनाने के लिए तो हम नहीं, एक वीडियो बनाकर हम दे देंगे, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, 7 क्वेश्चन, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करने का मतलब वो इंटरसेक्शन हो गया, और 40 व्यक्ति क्रिकेट तो ये एन ऑफ हो गया, ठीक है, क्रिकेट ये सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस और टेनिस दोनों में अंतर हो जाएगा आप लोग, क्योंकि किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि सी क्रिकेट, था टी टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति है, मान लिया, इसलिए यहां पर देखिए कितना समूह है, 65 व्यक्तियों का समूह है, तो एन ऑफ हो जाएगा सी यूनियन टी, ये हो जाएगा 35। उसके बाद क्रिकेट कह रहा है तो क्रिकेट हो जाएगा एन ऑफ सी इक्वल टू 40 और दोनों कह रहा है तो यानी इंटरसेक्शन यानी कि एन एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10। यहाँ पर कह रहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो केवल टेनिस कब निकलेगा, जब टेनिस निकल जाएगा, तो यहाँ पर टेनिस अभी है नहीं, यहाँ पर कह रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करे, तो टेनिस पहले निकाल लेंगे, तो पहले टेनिस निकालेंगे, यहाँ पर देखिए टी वाट, तो पहले इसको निकालेंगे, तो इसलिए सूत्र से एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी, ठीक है, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी,
ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो आगे देखिए ये कितना है, 35 है, लिख देंगे। सी है 40, ठीक है, और प्लस एन ऑफ टी ये निकालना है तो एन ऑफ टी यहाँ लिख देंगे, माइनस एन ऑफ ये कितना है, सी इंटरसेक्शन टी 10 है, तो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो माइनस है जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस 10 हो गया, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो गया एन ऑफ टी, ठीक है। इसको देखिए ये 65 और 10 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एन ऑफ टी इज इक्वल टू, इसको घटाकर इधर लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से बराबर इधर लिखिए, इधर लिखे बाद बराबर है, तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 35 बचेगा। देखिए 5 में से 0 घटा 5, और ये है 7, 7 में से 4 गया 3, 35। यानी कि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्ति हैं 35। अब केवल टेनिस हमें निकालना है तो हम लिख देंगे, इसलिए केवल टेनिस, तो केवल टेनिस का फॉर्मूला होता है टेनिस में से इंटरसेक्शन घटा देंगे, टेनिस माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो टेनिस कितना है, 35, और ये इंटरसेक्शन में जो दिया है ये कितना है, यहाँ पर देखिए 10 है, तो हम 10 लिख देंगे, और इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यानी कि केवल टेनिस पसंद करने वाले 25 हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए कहेगा कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले, तो केवल क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए, क्रिकेट कितना है 40, तो 40 में से 10 घट जाएगा तो बच जाएगा 30, यानी कि केवल क्रिकेट पसंद करने वाले 30 हो जाएंगे, ठीक है, और केवल टेनिस पसंद करने वाले 25 हो जाएंगे। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच तथा और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते, देखिए कि कितने यहाँ पर उल्टा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहते हैं कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल यूनियन निकालना है, क्योंकि दोनों भाषाओं में से कम, तो दोनों भाषा में से कोई बोल सकता है, तो कोई बोलेगा जो यूनियन होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, पहले मान लेंगे, माना कि एफ फ्रेंच तथा एस स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए एन ऑफ एफ यहाँ पर देखिए एफ सिर्फ 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो एन ऑफ एफ बराबर हो जाएगा इक्वल टू 50, एन ऑफ एस इक्वल टू 20, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं, तो दोनों भाषाओं बोलने वाले हैं 10, तो हमें निकालना है एन ऑफ एफ यूनियन एस, ये निकालना है। इसलिए सूत्र से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ यूनियन एस इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस, ठीक है। तो एन ऑफ एस तो निकालना है, तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, याद देने की जरूरत नहीं है, एन ऑफ एफ
50, यहाँ पर 20 माइनस 10, तो ये देखिए 70 माइनस 10 बराबर 60। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे मैथ। तो दो क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा और बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं देखूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी इसको लिख पाते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और कुछ शिकायत है, आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं बुझाता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को नहीं करें, कुछ विद्यार्थी कमेंट करते भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।